आपको पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताने हैं, कोई भी हो सकता है, वो हमारे पास बेल्ट डिफाइन नहीं है तो उसको सेट नहीं बोलेंगे। जब सेट की बात आती है उसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और इसको कॉमा से सेपरेटेड किया जाता है, सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे हमारे पास मंथ ऑफ ईयर का एग्जाम्पल देखते हैं, हमें बोला है कि आपके पास मंथ ऑफ ईयर भी है, वो आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसमें सीधा पहले कर्ली ब्रेसेस से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद बीच में नेम्स लिखना है और इसको सेपरेटेड कॉमा से करते जाना है और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस से ही एंड कर देना है। कोई भी जैसे अपनी क्लास के मतलब कोई पाँचवीं बॉयज है उनके नेम लिखने हैं तो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट एंड सेपरेटेड बाई यूजिंग कॉमा। उसके अलावा पास जो दूसरी फॉर्म होती है वो है स्टैंड बिल्डर फॉर्म। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। ये भी स्टेटमेंट में होती है, इसको लिखने का तरीका जैसा हम एग्जांपल है
तो सब सेट में जो आपके पास ए के एलिमेंट होंगे वो आपके पास बी के अंदर भी होने चाहिए। चाहे बी के अंदर पांच एलिमेंट होंगे कुछ नहीं है, लेकिन जो ए वाले एलिमेंट होंगे पूरी फिगर इसमें बोले थे सेम, तो उसका सबसेट होगा। सबसेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, और अगर नहीं है सबसेट को